सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, HPCL की बात करेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। PSU कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। स्टॉक प्राइस 536 में है। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले एक साल का रिटर्न 96% का है। तो HPCL के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने चौथी तिमाही Q4 FY24 के नतीजों के साथ बोनस का अनाउंसमेंट किया था और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था। तो ये दो अपडेट्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न 96% का है। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है और जिन्होंने ट्रेडिंग भी की है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। जो हाई बना है इसका 594.80 रुपया का बना है, 239.20 रुपया एक साल पहले था दोस्तों। लगभग 230-250 के आसपास स्टॉक था। तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है साल भर, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है और एक तरह से दुगना हुआ है। तो शेयर बाजार में पैसा बनता है बट ये समय लगता है दोस्तों। अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो महीने भर में उतार चढ़ाव बना रहता है। HPCL की बात कर रहे हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, एक तेजी बनी है और आगे क्या संभावना रहेगी इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके बिजनेस की बात करते हैं तो 1,22,100 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में। 1,00,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है HPCL का। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2,709 करोड़ का है। प्रॉफिट में काफ़ी अप डाउन रहता है HPCL का दोस्तों। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था कंपनी का। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे आने वाले नतीजों में कितना प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू कितना बढ़ता है। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 76,070 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 330 का। डिविडेंड यील्ड है 5.87% का और EPS है 112 का। ROE है 34 का और PE ratio है 4.75 का। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 330 का बुक वैल्यू है। शेयर प्राइस 520-530 के आसपास है दोस्तों। तो एक तरह से देखिए स्टॉक दुगना अंडर वैल्यू स्टॉक है। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो 1,00,000 करोड़ के आसपास का ऊपर की तरफ ही रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अप डाउन रहता है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है HPCL दोस्तों। तो आगे आने वाले नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है अभी भी, पिछले एक साल में एक तेज़ी बनी है। अब अपडेट्स की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में दोस्तों। बोनस का जो अपडेट था, कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है। 1 share for every 2 share held, 2 share के बदले 1 share हमको बोनस का मिलेगा, फ्री में मिलेगा। इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है। बोनस रिकॉर्ड डेट है 21 जून 2024 बोनस एक्स डेट भी हो गया। इससे पहले जिन्होंने बाइंग की होगी HPCL में, वो शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे बोनस शेयर के लिए। पॉइंट ये है कि इस दिन स्टॉक एडजस्ट होता हुआ भी नजर आएगा। कहने का मीन्स इस दिन स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ये बोनस शेयर के बारे में अपडेट है। दूसरा जो अपडेट है, कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था और फाइनल इक्विटी डिविडेंड 16.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। और बोनस शेयर के बाद का जो डिविडेंड होगा दोस्तों, जो फाइनल डिविडेंड होगा 11 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से होगा। और पोस्ट बोनस जो मिलेगा दोस्तों 11 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से मिलेगा। फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट होगा 9 अगस्त 2024 होगा दोस्तों। डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 9 अगस्त 2024 है। एक्स डेट भी 9 अगस्त 2024 होगी। पेमेंट का जो अपडेट है, AGM होगा आने वाले दिनों में, उसी के अनुसार पेमेंट होगा दोस्तों। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, इसी के अनुसार पेमेंट होगा, इसी के अनुसार एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर्स। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। डिविडेंड से भी कमाई होगी HPCL में और बोनस शेयर के बारे में अपडेट है दोस्तों। तो ये HPCL के बारे में डिटेल है दोस्तों। और HPCL में क्या करना चाहिए, जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी की है
तो बोनस का अनाउंसमेंट किया है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, स्टॉक प्राइस कम होता हुआ नज़र भी आएगा आगे आने वाले दिनों में, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो होल्ड करना चाहिए जिन्होंने 200-250 के आसपास स्टॉक को खरीदा है, और जैसे कि बोनस का अनाउंसमेंट किया है स्टॉक कम प्राइस में दिखेगा तो SPCL में निवेश करना चाहते हैं तो अपने अनुसार देखें, अपने रिस्क के अनुसार देखें। ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है SPCL के बारे में दोस्तों।